गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेवेंथ, सब्जेक्ट हिंदी। और ये जो पार्ट है ये बाल महाभारत कथा का है, पांचवा पार्ट कुंती का। इसमें कुंती के बारे में बताया है। कि यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन कुंत श्री कृष्ण के पितामह थे और इनके प्रथा नाम की कन्या थी और उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। और सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान न थी और सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। और उसी के ही अनुसार सूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा गोद दे दी और कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। और कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे, यानी उनके घर आए, और कुंती ने एक वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। और उसकी सेवा टहल से, यानी उसकी सेवा करने से दुर्वासा ऋषि उस पर प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और उसे उपदेश दिया। बोले कि कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान होगा। यानी तुम जिस देवता का ध्यान करोगी तो वह उसके समान ही आपको एक पुत्र पैदा होगा और प्रदान होगा। और इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया और जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चल करके शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ और उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। उसने सोचा कि लोग, यानी पर संसार, जो लोगों की जो सोच है उसकी वजह से उन्होंने सोचा कि मैं इस बालक को छोड़ देती हूँ। और इसलिए लोक लाज की वजह से और बच्चे को उन्होंने एक पेटी में सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया और बहुत आगे जा करके अधिरथ नाम की एक सारथी की नज़र पर उस पर पड़ी। और उसने पेटी निकाली और खोल करके देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था, यानी उसके कोई संतान नहीं थी। और बालक को पा करके वह बहुत ही प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ वो। और सूर्य पुत्र कर्ण इस सारथी, यानी इस तरह एक सारथी के घर में उसने पलने लगा, यानी सारथी के घर में उसका पालन पोषण हुआ कर्ण का। और इधर कुंती के विवाह के योग्य हुई, यानी शादी के योग्य हुई और राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा और उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। और हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए, यानी वो भी वहाँ पे आए और कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती के साथ विवाह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों को में एक से अधिक विवाह करने की प्रथा का प्रचलित थी, यानी एक से भी अधिक शादी कर सकते थे और यह रिवाज था। इस रिवाज के अनुसार ही पितामह की सलाह, यानी आगे सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या मांद्री से भी विवाह कर लिया। और एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए हुए थे और वहीं जंगल में एक हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति, यानी पति पत्नी विहार कर रहे थे, घूम रहे थे। और पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया और उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपति हैं, यानी ये ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दे दिया। और ऋषि के श्राप से पांडु को बड़ा दुख हुआ और साथ ही वह अपने भूल से खिन्न होकर के, यानी उन अपनी गलती से अपने ऊपर खिन्नता हो गई उनको। और वो नगर को लौटे तो उनके पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंप करके अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहाँ पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है लेकिन ऋषि के शाप बस वे संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते, यानी उनको श्राप मिला हुआ है इसलिए वो संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया और उनके अनुरोध से
पांडु को बताया उन्होंने, और उनके अनुरोध से उनके आगे के से कुंती और मांद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया और वन में ही 5ों का जन्म हुआ और वहीं तपस्वियों के संग वे पलने लगे और अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई बरस वन में रहे। और बसंत ऋतु की थी, यानी बसंत ऋतु का मौसम था और सारा वन आनंद में डूबा हुआ था प्रतीत हो रहा था और महाराज पांडु मांद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गार में सुषमा को निहार रहे थे, यानी मांद्री के साथ में वो उसको देख रहे थे और ऋषि के शाप का असर हो गया और तत्काल ही उनकी मृत्यु हो गई। मांद्री के दुख का पार ना रहा, यानी उसको बहुत दुख हुआ और पति की मृत्यु का वह कारण बनी और यह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। और इस दुर्घटना से कुंती और पांडवों के शोक की सीमा ना रही, पर वन में ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझा करके उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जा करके पितामह भीष्म के सुपुर्द कर दिया, यानी उनको भीष्म पितामह के सुपुर्द कर दिया। और युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी और हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है तो उनके शोक की सीमा ना रही और पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपने दोनों विधवा पुत्र वधुओं को अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर के वन में चली गई और तीनों वृद्धाएँ कुछ दिन तपस्या करती रहीं और बाद में स्वर्ग सिधार गए और अपने कुल में जो छल कपट तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें ना देखना ही संभव उन्हें उचित समझा, यानी उनको जो भी छल कपट हुआ उसको देखना उन्होंने उचित नहीं समझा। इसमें उसका 6ठा पार्ट है महाभारत बाल राम कथा का, महाभारत बाल कथा का भीम में इसमें 5ों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जो कौरव कहलाते थे और हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे, यानी 5ों पांडव और 100 कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र वो हस्तिनापुर में साथ में रहने लगे और खेल कूद हंसी मजाक में वे सभी साथ रहते थे और शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था, यानी उसकी शरीर काफ़ी हष्टपुष्ट और अच्छा था और खेलों में वह दुर्योधन और उनके भाइयों को खूब तंग किया करता था, यानी वो खेलता था तो उनको परेशान किया करता था। यद्यपि भीम के मन में किसी से वैर नहीं रखता था और बचपन की जोश के कारण ही वह ऐसा करता था, फिर भी आगे दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष, यानी द्वेष भाव बढ़ने लगा, यानी और इससे इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे, यानी अस्त्र विद्या के साथ साथ और भी विद्याएं सीखी उन्होंने और विद्या सीखने में पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे, यानी जो भी विद्या सीखते उसमें पांडव हमेशा आगे रहते थे और इससे कौरव और खींचने लगे, यानी उनसे वो चिढ़ने लगे और दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से ही नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था, यानी जो दुर्योधन था वो पांडवों को हमेशा कोई भी कार्य करता उसमें हमेशा उनको नीचा दिखाने की प्रयत्न करता रहता था और भीम से तो उसकी जरा भी पड़ती नहीं थी, यानी बिल्कुल भी उसका आपस में बनती नहीं थी। और एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबो करके मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर अर्जुन आदि कैद करके बंदी बना लिए जाएं। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर हमारा अधिकार हो जाएगा, यानी सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा दुर्योधन का। और एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और 5ों पांडवों को उसके लिए न्योता दिया और बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबसे भोजन किया और अपने अपने डरों से जाकर के डेरों पे जाकर के सो गए
और दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था और सब लोग खूब खेले और तैरे थे और सो थक कर के सब सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया और वह डेरे पर भी ना पहुंच पाया और वह नशे में चूर हो गया, होकर के गंगा किनारे रेत में भी गिर गया और उसकी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांध करके उसे गंगा में बहा दिया और लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा से बहता हुआ दूर निकल गया। और इधर दुर्योधन मन ही मन यह सोच करके खुश हो रहा था कि भीम का भी कोई तो काम भी तमाम हो गया होगा। और जब युधिष्ठिर आदि जागे, यानी युधिष्ठिर पर उसके भाई हैं जो सब जागे और भीम को ना पाया, उन्होंने नहीं देखा, तो उनके चारों भाइयों के मिलकर के सारा जंगल और गंगा का जो किनारा था और जहाँ जल वो कीड़ा खेलने के लिए गए थे वो सब छान मारा, उन्होंने सब कुछ देख लिया पर भीम का कहीं भी पता ना चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने अपने स्थान पर लौट गए आए और इतने में ही क्या देखते हैं कि पांडवों और कुंती के आनंद का भीम झूमता चला आ रहा है और पांडव और कुंती के आनंद का ठिकाना ना रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया, पर यह सब हाल देख करके कुंती को बड़ी चिंता हुई और उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में ही उनसे बोली कि दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है और राज्य के लोग में वह भीम को मार डालना चाहता है, मुझे इसकी चिंता हो रही है, उसने कहा कुंती ने। और राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले कि तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो और प्रकट रूप में दुर्योधन की निंदा कदापि मत करना, यानी उसकी दुर्योधन की निंदा यानी उसकी बुराई भलाई बिल्कुल मत करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। और इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था और उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा कि भाई भीम, अभी समय नहीं आया है और तुम्हें अपने आप को संभालना होगा और इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे को रक्षा करते हुए बचे रहें और भीम के वापस आ जाने तक दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसका हृदय और जलने लगा, यानी उसको गुस्सा आने लगा। थैंक यू।